नमस्कार। सो अब मैं खड़ा हूँ अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज़ के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे है बहुत बड़ा अनंता हॉस्पिटल और दिस एंटायर कैंपस इज राइट इन द मिडल ऑफ हिल्स माउंटेन्स। तो थोड़ा सा लोकेशन समझा दूँ कि जो जयपुर से रोड आ रही है उदयपुर या दिल्ली जयपुर उदयपुर, इस रोड पर उदयपुर कहने से अराउंड 20 किलोमीटर पहले ही आता है और इसके पास एक फेमस मंदिर है एकलिंग जी वाला। तो वैसे देखा जाए तो उदयपुर शहर से प्रॉपर बाहर है। तो एज फार जो हम लोकेशन की बात करते हैं तो इसको हम एक प्रॉपर शहर के बाहर कर सकते हैं। लेकिन फिर से जो पहली चीज़ है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे भीड़ गाड़ियाँ और मरीज, तो हम यहाँ तक पहुँचते मुझे 12 बज गए और 12 बजे भी इस समय OPD वाले सेक्शन में 50 के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। और देखिए, ये सब सच OPDs हैं, ये कोई भाई उसके लिए नहीं है जी, NMC के लिए। तो मोटा मोटी मैं बोलूँ तो जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ, जब मैं तांतिया भी गया और यहाँ भी गया, कि राजस्थान में बिकॉज ऑफ चिरंजीवी बीमा योजना, जहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में सेम इलाज हो जाता है गरीब व्यक्ति का और उसे कोई चक्कर नहीं काटने, कार्ड दिखाना अपना चिरंजीवी कार्ड और ऐसे वैसे बहुत सारे कार्ड है जो राजस्थान में चलते हैं, तो उसका काफ़ी एडवांटेज है शायद प्राइवेट अस्पतालों को भी, क्योंकि किसी के पास ना मरीजों की कमी नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में देखिए, जितना मर्जी फिर से मैं अपने किसी भी वीडियो को पॉलिटिकली बनाना चाहता, बट हम जितनी मर्जी हेल्थ केयर की बात करें, पर वो मोहल्ला क्लिनिक अपनी जगह है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि उसके अलावा जो ये इंश्योरेंस है, मतलब इसके लिए जनरली या गरीब आदमी पहले सरकारी अस्पताल जाता है, प्राइवेट में जाके इस कराना इतना आसान नहीं है। शायद यही हरियाणा में होता है, यही UP में होता है, ये जो आसपास के जितने हमारे राज्य हैं, बट राजस्थान में काफ़ी सालों से, इससे पहले इसी योजना का नाम भामाशाह योजना था, तो प्राइवेट अस्पतालों में ना OPD कमी नहीं है। मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ स्पेशली इन एरियाज़ में। तो इसका शायद फ़ायदा यही है कि अब ये अस्पताल तो 20 किलोमीटर बाहर हो गया, तो यहाँ उदयपुर का लोकल बंदा नहीं आता। पर मैंने पूछा तो देखिए, यहाँ से और 10 किलोमीटर आगे एक जगह है नाथद्वारा, मतलब जो भी ये गांव के एरिया हैं, तो एक तरफ तो हाईवे चल रहा है, ये कॉलेज बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, जो जयपुर दिल्ली जयपुर उदयपुर हाईवे हो गया, ठीक हाईवे के ऊपर हम अंदर आए हैं। और लेकिन अदर देन दिस लोकेशन, जो इसके पीछे आगे बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे या गाँव होंगे, उनके मरीज यहीं पर आए हुए हैं। मुझे कोई ऐसा बसें चलती नज़र नहीं आ रही है, 8 से 10 एम्बुलेंस मैं देख सकता हूँ, जैसा मैंने कहा 12 बजे भी मैं देख सकता हूँ OPD में लोग बैठे हैं। तो फिर से पेशेंट फ्लो की बात करें, इंफ्रा की बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है अनंता भी, और अनंता और अमेरिकन दो कॉलेजेस हैं राजस्थान में सारे कॉलेजेस में, जो कि RUHS के अंदर आते हैं, मतलब इनकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो मैंने अमेरिकन वाले वीडियो में आपको बताया था कि अनंता में फिर से एडमिशन मिल जाता है आसानी से, अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के हैं, क्योंकि राजस्थान का जो क्लोज स्टेट का फंडा है, लेकिन जो पेपर हैं जो सब कुछ हैं वो RUHS लेती है। तो अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो फेल भी हो सकता है, मैनेजेबल नहीं है। जिनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU हो गया, चाहे वो NIMS हो गया, चाहे पैसिफिक हो गया, गीतांजलि हो गया, उनमें चूँकि अपनी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है बच्चे को पास करना। आप मेरी इशारा समझ रहे होंगे। और एक सेम बात जो मैंने अमेरिकन में बोली कि कॉलेज ही अच्छा है, डिग्री आपको RUHS की मिलती है। और ना एक और मैं हैरान हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आ रहा हूँ और आप दिल्ली में बैठे हुए आप वो देखते हो कि भाई, आपको याद होगा 2021 के बैच में अचानक से ने NMC ने इनको डिबार कर दिया था और 22 में वो ठीक हो गए, 4 कॉलेज को डिबार किया था, गीतांजलि, अमेरिकन, अनंता। और मैं बड़ा हैरान हूँ उनकी क्वालिटी को देख कर, पर्सनली क्वालिटी को देख के। और सब मैंने और अब एनालिसिस करा तो पता चलता है कि बेसिकली देखिए भाई, जो हर प्राइवेट कॉलेज पैसे बचाने के लिए करता है, कि जो फैकल्टी थे, जो फैकल्टी दिखाए गए थे कि हमारे ऑन रोल्स पे हैं, वो फैकल्टी उतने नहीं थे। तो फैकल्टी वाज अ प्रॉब्लम, फैकल्टी की अटेंडेंस वाज अ इशू। बट जहाँ तक OPD, पेशेंट फ्लो, प्रैक्टिकल लर्निंग, लोकेशन की बात है, इट इज़ फाइन। तो ठीक है, ये शहर से 20 किलोमीटर बाहर है, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए वो सुबह शाम उदयपुर की एंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑफकोर्स प्योर हाईवे है तो उदयपुर शहर पहुँचने में आपको 25 मिनट ही लगेंगे, लेकिन हाँ 25 मिनट लगेंगे vis-a-vis अगर हम उदयपुर के बाकी दो कॉलेज की बात करें, अमेरिकन और गीतांजलि, जो प्रॉपर शहर के अंदर थे, एंड ऑफकोर्स जो सरकारी कॉलेज है RNT, तो उसके हिसाब से थोड़ा बाहर है, लेकिन बिल्कुल पहाड़ों में। आपको पता है यहाँ अरावली रेंज है, हाईवे के दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं और ऐसे किसी पहाड़ के अंदर बना हुआ है। तो अगर आप पीछे से देखेंगे तो पहाड़ आपको नज़र ही आ रहा है बिल्कुल ठीक बिल्डिंग के पीछे। और कॉलेज का ना डिज़ाइन भी ऐसा है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर डिज़ाइन, तो जो उसका विड्थ है, डेप्थ है, बहुत छोटी है, मुश्किल से शायद 40-50 मीटर की होगी, और लंबा बहुत जा रहा है। तो लंबा आप देखिए कहाँ तक आपको लास्ट बिल्डिंग नज़र आ रही है,
तो इसमें यह है कि बिल्डिंग्स पीछे नहीं है, इतने हर बिल्डिंग आगे दिख रही है और हर एक बिल्डिंग के पीछे पहाड़ है। तो एक बिल्कुल लंबाई में इसका डिज़ाइन है कॉलेज का, और चौड़ाई बहुत कम है। और जैसे पहले ये मेडिकल पेन अस्पताल की बिल्डिंग है, अगली वो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, स्पेशली मेटर्निटी वार्ड है, आगे हॉस्टल्स हैं, तो लंबाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज भी वही कहता हूँ कि नॉर्थ इंडियन के बच्चों के लिए तमिलनाडु के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ विज़ाविस राजस्थान के कॉलेजेस, राइट, व्हेन इट कम्स टू राउंड थ्री, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एटलीस्ट जो हम नॉर्थ के बच्चे हैं तो नॉर्थ में खाने पीने का बहुत आराम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5.5 साल के टेन्योर के लिए। तो फिर भी अगर मेरी जो रहेगी कि अगर मुझे कंपेयर करना इससे विज़ाविस जो तमिलनाडु की या पौंडीचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो आई स्टिल गो विद दिस कॉलेजेस रैदर देन दोज कॉलेजेस एज अ फर्स्ट चॉइस। ठीक है, सो ये है मेरी एनालिसिस अबाउट दिस कॉलेज। और फिर से राजस्थान के हर एक कॉलेज की तरह यहाँ पर डबल शेयरिंग रूम है विद अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो वो सुविधा भी है। गर्मी हो चुकी है, मार्च का ये फिलहाल महीना मिड मार्च है, लेकिन अब पूरी गर्मी आ चुकी है राजस्थान में, जैसा कि हम जानते ही हैं। उदयपुर स्टिल बेटर देन कोटा एंड जोधपुर, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं मैंने कहा ना चारों तरफ पहाड़ है, तो फिर भी ये मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है, सुहावना रहता है। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। पीजी इस कॉलेज में भी चलता ही है, और फैकल्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा है। हमसे जुड़ना चाहें, MBBS 2023 के लिए हमारा स्टार्ट हो चुका है बुकिंग, 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।